हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से ग्रेड 3 जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए 22 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां दोस्तों, इन सभी 22 वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जून 2021 से शुरू हो जाएंगी और आप 28 जून 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और यहां जो फीस पेमेंट के लिए लास्ट डेट रखी गई है वो 1 जुलाई 2021 रखी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहां पे सैलरी की। इन सभी पोस्ट पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो इनिशियली बेसिक पे रहेगा वो 27,700 रुपए रहेगा। उसके अलावा बाकी के अलाउंसेस एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स कैंडिडेट को दिए जाएंगे। और यहाँ इस नोटिफिकेशन में इन्होंने इन सभी 22 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी सारी डिटेल अपन स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इन सभी पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिनके पास डिग्री हो लॉ की, कैंडिडेट की उम्र यहाँ 38 साल से ज्यादा ना हो, और अगर कोई कैंडिडेट यहाँ बिलोंग करता है एससी एसटी कैटेगरी से तो ऐसे कैंडिडेट की उम्र यहाँ 43 साल से ज्यादा ना हो। तो अगर कोई कैंडिडेट ये सारा क्राइटेरिया मीट करता है तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इन सभी 22 वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट की उम्र काउंट करने के लिए क्रूशियल डेट रखी गई है वो 28 जून 2021 रखी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 3 फेजेस के एग्जाम के बाद होगा। फर्स्ट फेज में कैंडिडेट का प्री एग्जाम होगा, सेकंड में मेंस का एग्जाम लिया जाएगा और थर्ड फेज में कैंडिडेट का यहाँ पे वाइवा लिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फेज 1 के प्रीलिम्स के टेस्ट की। वो सभी कैंडिडेट जो प्रीलिम्स के पेपर में 60% नंबर स्कोर करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और सेकंड फेज के मेंस एग्जाम में यहाँ पे कैंडिडेट के कुल 5 एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। 4 एग्जाम जो होंगे वो तो लॉ के सब्जेक्ट्स के होंगे और 5वां एग्जाम जो होगा वो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज का पेपर यहाँ पे क्वालिफाइंग रखा गया है और मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट को 60% नंबर स्कोर करने होंगे एग्रीगेट मेंस के एग्जाम में और 45% नंबर यहाँ स्कोर करने होंगे चारों लॉ के पेपर में और 35% नंबर यहाँ पे मिनिमम स्कोर करने होंगे कैंडिडेट को यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर में, तभी ये लैंग्वेज का पेपर कैंडिडेट को क्वालिफाई माने जाएगा। और इन्हीं सभी पेपर को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे फाइनल स्टेज के एग्जाम यानी कि वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ जो वाइवा होगा फेज 3 में वो कुल 50 नंबर का होगा और इसमें जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 60% रखे गए हैं। तो इस तरीके से इन तीनों फेज के एग्जाम्स के बाद यहाँ कैंडिडेट की फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे यहाँ इन सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है 250 रुपए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी उनकी जो फीस रहेगी वो निल रहेगी। और इन कैटेगरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरियां बचती हैं उन सब कैटेगरीज के कैंडिडेट को यहाँ पे 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।